हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। आज मैं फिर मौजूद हूं आपके सामने अपने हेल्थ टेक्निकल चैनल के हेल्थ टिप्स एपिसोड में। दोस्तों आज अब आप देखिए कि इस टाइम सर्दियां आने वाली है, मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है और नई नई बीमारियाँ आप लोगों के सामने देखने को मिल रही होंगी। तो कुछ ऐसी आज 5 टिप्स हैं मेरी हेल्थ से जुड़ी हुई, कुछ ऐसी बहुत ही यूजेबल। दोस्तों देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है वो बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लगातार छींकें आना। जैसे कि लगातार छींकें आती हैं ना, या तो जुकाम हो या अनकंडीशनल टाइप से जो छींकें आती हैं, उसके लिए क्या क्या करना है आपको इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, रामबाण एकदम आपको बताऊंगा। उसके लिए करना ये है कि आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें एक चम्मच रस नींबू का मिलाना है और एक चम्मच शहद का रस मिलाना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको पी लें, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। आप यकीन नहीं करोगे कितनी जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरा दोस्तों, लगातार हिचकी आने पर। देखो अगर एसिड के किसी को एसिडिटी की वजह से या फिर नेचुरली तरीके से भी आती हैं हिचकियाँ, अगर किसी को कंटिन्यू हिचकियाँ आ रही हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपके घर में मुनक्खे रखे हैं तो आपको 2 से 4 पीस मुनक्खे के खाना है। आपको विद इन 6 सेकेंड्स आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तुरंत आराम पड़ जाएगा, आपकी हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। अगर मुनक्खे नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, शहद तो हो गई घर में, आपको एक गिलास गर्म पानी में शहद डाल के पीना है, उसको तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो शहद होता है ना, जब हमारे स्टोमक को हमारे पेट को एकदम से मीठा मिलेगा यानी मिठास मिलती है, तो तब क्या होता है उस कंडीशन में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, वो जो डिसबैलेंस हो जाता है वो एकदम बैलेंस हो जाता है और आपकी जो हिचकियाँ होंगी तुरंत आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, जैसे कि पेट खराब होने की वजह से बहुत से लोगों को कंटिन्यू मुंह में छालों की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उस मुंह के छालों की प्रॉब्लम के लिए एक मैं आपको बहुत ही इजी घर के जो घरेलू उपाय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपके पास में दूध होगा, थोड़ा सा दूध लेना है, एक कॉटन लेनी है, उसमें उसको डुबोना है और सिर्फ जहाँ पर आपके छाले होंगे उन पर लगाना है। अब इससे होता क्या है, दूध के अंदर मौजूद जो कैल्शियम होता है ना, वो किसी भी टाइप का जो वायरस होता है जिससे इन्फेक्टेड ये आपके जो मुंह में छाले होंगे उसको किल करता है, और जो दूध होता है उसमें जो कैल्शियम होता है वो हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी किसी भी घाव को भरने का बहुत अच्छा काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है, इसको ज़रूर ट्राई करना अगर आपके मुँह में छाले हैं तो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है दोस्तों, अगर आप डेंड्रफ से परेशान हैं, जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में क्या होता है मोस्टली प्रॉब्लम होती है डेंड्रफ की बालों में, अगर आप डेंड्रफ से परेशान हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, जो नींबू का जो वो होता है ना रस, ये इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये काफ़ी घरेलू चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। दोस्तों करना क्या है आपको, आपको नींबू का रस बालों में लगाना है, लेकिन उसको लगाने से पहले आपको तरीका पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लगाया जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको आपके पास में सरसों का तेल या फिर नारियल जो कोकोनट ऑयल होता है वो होगा, उसको आप किसी कटोरी में या किसी बोल में ले सकते हैं और उसमें सिर्फ एक चम्मच आपको नींबू का रस मिलाना है। उसको मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके आप रख दीजिए बिफोर यूज़, उससे उसको यूज़ करने से पहले आपको क्या करना, अपने बालों को अच्छे से क्लीन करना है, धोना है, शैम्पू से धो सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी, टेप रनिंग वाटर से भी धो सकते हैं। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं, सूख जाएं, उसके बाद उसको अप्लाई करना है और इसको हफ्ते में 2 या 3 बार ही यूज़ करना है, और आप यकीन नहीं मानोगे आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं, या आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद मेरा 5वां और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर लगातार खांसी आती है, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने पे तो नई तरह तरह की बीमारी आ रही है, एक खांसी भी एक नॉर्मल सी बात है, एक नेचुरल बात है। अगर खांसी आपको लगातार हो रही है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उसको तुरंत बंद करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें एक चम्मच शहद, एक चम्मच नींबू रस डालना है, जो कि मैंने आपको छींक के लिए बताया था, ये ही सेम फॉर्मूला खांसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये रिजल्ट होते हैं, इसके बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको कंटिन्यू खांसी काफ़ी दिनों से बनी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली आपको स्टीम लेनी है,
आपको भाप लेने हैं। भाप में के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ गर्म पानी लेना है। पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लीजिए और उसको एक कपड़ा लेके, कोई भी चादर टाइप की, उससे आपको कवर करके उससे स्टीम ले सकते हैं। और अगर और भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप उस गर्म पानी के अंदर नीलगिरी या यूकलिप्टस बोलते हैं उसको, उसको भी डाल कर आप स्टीम को और ज़्यादा करके उसको ले सकते हैं। ये किसी भी आपके शॉप पे मिल जाएगी, जो पंसारी की शॉप होती है उन पे मिल जाएगी इजीली। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 प्रॉब्लम्स के 5 इजी सॉल्यूशन जो कि आपके घर के अंदर मौजूद हैं।